ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੋ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੋ ਆਈ ਰੋਜੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ये बच्चा आपका अच्छा सही है माशाल्लाह ठीक ठाक है कोई मसला नहीं है ये मसला वाला तो मुझे ना बताना मैं कुछ नहीं कर सकता अच्छा अचारी में भी क्रीम डाल दें अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन दिस इज साकिब मोबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के अंदर अभी हम कोई सैरी करने नहीं आए हमारा प्रोग्राम है आज डिनर करने का और डिनर करने के बाद हम जाएंगे जेदे की लस्सी पीने के लिए जेदे की लस्सी बाद में पियेंगे क्योंकि वो ज़रा हैवी होती है वो हम सैरी में करेंगे इंशाल्लाह और वो करने के बाद ना आपको उसका फ़ायदा ये होता है कि आप वो पी लेते हैं ना तो सारा दिन आपको भूख प्यास नहीं लगती है रोज़ा अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये फ़ायदा तो अभी हम जेदे की लस्सी पीने जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे समनाबाद में एक पॉइंट है मेरा फेवरेट पॉइंट है और मेरे साथ मेरा कज़न सुसर है जिसको जो कि सामने नहीं आता कज़न सुसर इसलिए है क्योंकि वो मेरी मिसिस का कज़न है तो उसको बड़ी पसंद है ये सज्जी भी और यहाँ पर एक दो आइटम और हैं वो भी इनको बड़ी पसंद है और यहाँ पर लास्ट में भी आया था शायद आपने वीडियो नहीं देखी हो पूरे 15 रुपये हो गए इसके तो अभी वो सब्जी ट्राई करेंगे और साथ में यहाँ से कुछ कढ़ाई और एक तवा पीस यहाँ बड़ा कमाल का मिलता है वो ट्राई करेंगे उसके बाद जाएंगे जेदे के पास पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से अल शेख सज्जी कॉर्नर से सबसे पहले इसकी लोकेशन और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं चला अच्छा यार ये जो रोड है ना ये सामने से आ रहा है लाका चौक वाली साइड से और ये सीधा जा रहा है इसकी मोड़ की तरफ को ठीक है और ये मेन रोड है सब्जार का इस रोड के ऊपर जो है ना शाहफरी चौक है ये शाहफरी चौक है इस शाहफरी चौक से थोड़ा सा पहले आपके उल्टे हाथ पे ये पॉइंट है अल शेख सज्जी कॉर्नर इनके पास चलते हैं सर जी ये जो है ना इनके पास सब्जियाँ बन रही हैं ये क्या कर रहे ये क्या कर रहे थे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल चाल है जी वालेकुम सलाम ठीक ठाक है ठीक है शुक्र अल्लाह का ठीक है पहले से बेहतर हूँ मैं अच्छा यार मैं कुछ दिन पहले भी आपका साथ था अब ऐसे हमारा प्लान जो है आज आपसे सिंपल डिनर करने का जी जी और हम ये चाह रहे हैं कि आपसे जो आपका तवा पीसा है वो और आपकी सब्जी जी ठीक है ये ट्राई करना चाह रहे हैं और साथ में आपकी कुछ कढ़ाई है वाइट कढ़ाई है वाइट कढ़ाई ये तीन चीज़ें सिर्फ हमने आपसे ट्राई कर दी आप इतना बता दें कि आप लोगों की आज से रमज़ान में क्या टाइम होगा रमज़ान में हम अफ्तारी करवाते हैं और सहरी तक रहते हैं अफ्तारी आप फ्री करवाते हैं मतलब अफ्तारी के लिए हम अवेलेबल होते हैं और दूसरा ये बताएं कि जो तवा पीस है इसकी प्राइस क्या है 600 सिंगल है सिंगल लेग में लेंगे सर चेस्ट में बिल्कुल जी लेग में और चेस्ट में सेम प्राइस है 600 ठीक है और जो अभी कढ़ाई है वो कितने की है कढ़ाई जो वाइट कढ़ाई है वो हाफ आधा किलो मिल जाएगी 1030 रुपये की आधा किलो कितना महंगी नहीं है महंगी है लेकिन क्वालिटी भी और टेस्ट भी है अच्छा चलो ठीक है और ये हाफ कढ़ाई 2 बंदे खाते हैं 2 बंदों के लिए होती है और सब्जी की क्या प्राइस है सज्जी की जो फुल सज्जी है फ्लेवर्ड में वो हम 2200 की दे रहे हैं बट क्वार्टर मिल जाएगा आपको 600 का लेग में और 650 का चेस्ट में वो एक बंदे के लिए होता है एक यार इनके पास ना वाइट कढ़ाई से ख़त्म हुई हुई है तो अचारी कढ़ाई अब खा लेते हैं अच्छा ये जनाब अचारी कढ़ाई तैयार हो रही है जी चेस्ट में क्या क्या डला हुआ है चिकन है ये क्या है ये लाल लाल चिकन है प्याज की ग्रेवी है अच्छा ये टमाटर की ये प्याज की टमाटर की प्याज की ग्रेवी और नीचे मिर्चें भी डाली हुई आपने इसमें यानी आप सारे मसाले वगैरह डाल के डाले पहले से हाफ डन किया होता है इसको आपने ठीक है प्रेशर लगा होता है यानी प्रेशर में कढ़ाई तैयार होती है ठीक हो गया ठीक हो गया ये क्या है नमक आ गया ठीक है अच्छा ये ज़्यादा स्पाइसी बनाओगे कि नॉर्मल बनाओगे नॉर्मल होती है ये बाकी कस्टमर के ठीक है ये देखा और मिर्चें आ गई अच्छा ये मिर्चों के साथ मसाला भी है इसके अंदर ठीक है ऑयल आ गया पहले घी डाला हुआ था नहीं नहीं अच्छा घी अभी डाला ये अदरक आ गया ये क्या है हल्दी हल्दी डाल दिया ये हरी मिर्ची आ गई ये आ गया धनिया ठीक है ये कौन सा फ्लेवर तैयार कर रहे हैं तीखा गार्लिक तीखा गार्लिक जी जो मुझे ये बड़ा पसंद है हाँ जी राइस पकड़ाना बेटा रहते 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 रहते
अच्छा एक बात बताएं, ये जो फ्लेवर्स होते हैं जी, ये जो आप इसमें डालते हैं, इतने सारे फ्लेवर आपने लगाए माशाल्लाह, ये तंग तो नहीं करते मैदे को? नहीं। क्यों? देखिए इसमें वो चीज़ें नहीं है जो मैदे को तंग करें। जैसे मैं बेसिकली ये बनाता खुद, जैसे एक रेड चिली होती है, सुर्ख मिर्च होती है, वो आपको ज़्यादा तंग करती है। बट ये इसको जो पकाने का अंदाज है, मैं इसको ये कुक्ड है? ये कुक्ड है। अच्छा ये रॉ नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रॉ मसाले सारे? जी जी, इसमें ये देखने में ऐसा लगता है, बट इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम में सारी रात तकरीबन आप समझ ले कोई 7-8 घंटे बनाता हूँ मैं। अच्छा ये दिखा रहा है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है सिंपल सॉसेज है, सिर्फ आपने मिक्स किया है इसको? ठीक है। लेकिन ये टेक्स्चर ऐसा ज़रूर देती है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो मैं काफ़ी एक ज़्यादा अमाउंट में बनाता हूँ, लेकिन इसको बहुत लाइट सी जो है ना, हम इसको लो फ्लेम पे आप लो फ्लेम में बनाते हैं और इसको हम 8-10 घंटे बनाते हैं। अच्छा यानी कि हल्की आग में आप पाए बना रहे थे? बिल्कुल, आप समझ जाइए पाए से बना रहा था। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, यो जी इसमें क्रीम आएगी। अच्छा अचारी में भी क्रीम डालते हैं? जी। ये क्या साइंस है हमारी? तकरीबन जितने भी हैं स्पेशल कढ़ाइयाँ उसमें जाती है। अच्छा ये जी काली मिर्च आ गई। अच्छा ये अच्छी चीज़ है, जो काली मिर्च है ना ये दानेदार है, कुटी हुई नहीं, हाँ दरा मिर्च बनाई है। ये धनिया और क्या आएगा? ठीक है सर, जीरा जीरा ये क्या जी? अचारी मसाला। अच्छा इस रेसिपी की पूरी जान जो है। यार इसकी ना खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है, और अभी इसको खा के चेक करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी जो है तवा पीस भी रेडी करवाते हैं हम। अच्छा यार ये जो है ना ग्रिल हुआ हुआ चिकन का पीस है थाई का, तो पानी से क्यों धो रहे हैं आप इसको? ग्रिल हुआ हुआ है। ठीक है ठीक है, इन्होंने पानी में इसका जो इसको दम लगाया ना, वो इसलिए लगाया कि पहले ग्रिल हुआ हुआ है और अब ये थोड़ा नरम हो जाएगा। ये क्या? प्याज टमाटर का मसाला मिक्सर से ला के रखा हुआ हमने। ठीक है। अच्छा ये इसमें ऑयल आ गया और दही आ गया। लो जी आएगा इसमें लीमू, ये आ गया धनिया। लो जी इसका पूरा पेस्ट बन गया। अब इसके अंदर जो है ना ये और चीज़ें भी डालेंगे शायद। अब इसमें क्या डालेगा? अब क्या आएगा इसके अंदर? ठीक है ठीक है, आने दो आने दो। अच्छा क्या क्या डाल रहे हो? ये नमक आ गया। ठीक हो गया। ये क्या जी? कुटी मिर्च है। ठीक हो गया। ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये पूरा धनिया का पिसा हुआ, और ये जीरा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा जी पैसे खाएंगे या नॉर्मल? जी पैसे खाएंगे नॉर्मल। आपका नाम क्या पहले ये बताओ? मोहम्मद समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह भाई, आप स्पाइसी खाते हो या नॉर्मल? तकरीबन स्पाइसी। तकरीबन स्पाइसी, तो मुझे जो है ना यकीनन स्पाइसी कर दो। अच्छा ये जो इधर इधर आज कुछ नहीं होता, कोई नहीं, घर वाले देख लेंगे, उनको सलाम कह दो, कह दो घर वाले देख लेंगे, ये बच्चा आपका अच्छा सही है माशाल्लाह, ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है? मसला तो नहीं है कोई? लाहौर वाले तंग तो नहीं करते? अच्छे लोग हैं ना ये, प्यार करने वाले हैं ना? हाँ बस खुश रहो इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मसला हुआ ना तो मुझे ना बताना, ठीक, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये जो है ना इसका जो मसाला है, ये मसालेदार तवा पीस है कि नॉर्मल तवा पीस नहीं है? जैसे आप बहुत ज़्यादा लाइक इसमें दही डाला होता है, और दही में बहुत सारे मसाले डले होते हैं मसालों के ऊपर, फिर जो बारिश कर रहे होते हैं, फिर बहुत सारी मिर्चें आती हैं, ये वो वाला तवा पीस नहीं है, ये सालन की तरह का है। चलो जी लजी, ये इसमें आएगा अब मरी मिर्चें, ये जो बन रहा है ना इस टाइम पर यहाँ पर, इसमें मिर्चें भी आएंगी, और मिर्चों के साथ साथ इसमें नींबू भी आते हैं, नींबू के जो स्लाइसेस होते हैं ना लेमन के, जो उन्होंने स्लाइसेस बनाए होते हैं, उसको ये पूरा पकाते हैं। फिर पकाने की वजह से ना उसको जो फ्लेवर आता है ना पूरे इस तवा पीस के अंदर, वो बड़ा कमाल का है। जी इसमें अब आएगा मक्खन, खैर फुल है अभी प्रोग्राम। ये आएगा इसमें क्रीम, यार बहुत कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत लेवल की खुशबू माशाल्लाह।
ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, इस टाइम इसकी जो स्मेल आ रही है ना इसमें से, वो इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह से। ये क्या था? रेडी हो गया, डालो प्लेट में। लो ये तैयार हो गया। अच्छा ये जो ना हमारे पास ये जो है अचारी कढ़ाई है, इसकी ना खुशबू बहुत कमाल की लग रही थी, और यहाँ पे जो दो स्पेशल चीज़ें हैं ये एडवांस मैंने ट्राई किए कि खाना थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ मंदिर थोड़े ज़्यादा है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे आने का जो पर्पज़ था ना मेन, वो ये तवा चिकन इनका ट्राई करना था, और साथ में जो है इनकी ये फ्लेवर वाली सब्जी, ये मुझे बड़ी पसंद है। जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना वो मेरे घर जाती है, ये जो फ्लेवर वाली सब्जी है ना ये रेगुलर बेसिस पे मेरे घर जाती है। गुजर त्यारा तो जी, पहले स्टार्ट करेंगे हम इसको, बिस्मिल्लाह करेंगे चिकन कढ़ाई से। ये जी ये चिकन कढ़ाई यार, ये देखो। अच्छा ये इसमें ना एक चीज़ ये है, ये जो चिकन है ना इसको इन्होंने प्रेशर लगाया था, इसलिए गला प्रॉपर होगा हर जगह से। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ये मानना है कि चिकन कढ़ाई में अगर उसको आप प्रेशर लगा देंगे ना, किसी भी कढ़ाई को अगर आप प्रेशर लगा देंगे ना, तो उसके अंदर तक फ्लेवर जिस तरह जाना चाहिए ना वो नहीं जाता। थोड़ी रोटी आ गई, साथ में थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे। वेरी गुड यार, ग्रेवी है ये, सारा फ्लेवर इसके अंदर है। चिकन के अंदर जो फ्लेवर है ना वो चिकन का, क्योंकि चिकन को प्रेशर लगा हुआ है, थोड़ा सा फ्लेवर उसके अंदर है, चिकन के अंदर मैरिनेशन का हल्का सा फ्लेवर है, लेकिन जो मेन फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है वो सारा ग्रेवी के अंदर आ रहा है। और ग्रेवी में जो जो इन्होंने मसाले डाले हैं, इसमें जो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है वो लींबू का आ रहा है। लींबू चूँकि इन्होंने डाला है उसके अंदर लाइव बनते हुए, उसके अंदर लींबू नहीं छोड़ा है, एक बात। और दूसरी बात, ये लींबू की स्लाइसिस भी मौजूद है इसके अंदर, इसकी वजह से जो है इसमें हल्की सी खटास है, लेकिन वो जो खटास है ना वो बहुत कमाल की लग रही है। सॉफ्ट है क्रीम की वजह से, और हल्की सी मिठास भी क्रीम की वजह से है। बाकी जो मसाले वो बिल्कुल बैलेंस है, मिर्चें बिल्कुल तेज़ नहीं है, हल्की सी स्पाइसी है, हल्की सी ऐसी स्पाइसी है कि आपको थोड़ी सी जबान भी लगती है, लेकिन थोड़ी जबान वो ख़त्म हो जाती है, जबान पर टिकने वाली हीट नहीं है। अच्छा पहले जो है ना हम इनका तवा पीस ट्राई करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा खाना खा रहे हो ना अच्छे मौसम में बैठ के, तो मज़ा दुबाला होता है। नीचे फैमिली हॉल भी है, ऊपर आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस टाइम जो बाहर बैठा हूँ ना वो सिर्फ मौसम की वजह से बैठा हूँ, और मैं जहाँ बैठा हूँ ना वो कुर्सी हिली जा रही है। तो अभी जो है ना हम तवा चिकन ट्राई करते हैं, इसको चेक करेंगे चपाती के साथ। ये चपाती यहाँ से छोटा सा एक चिकन का पीस उठाते हैं। ये लीमू है, चिकन की तरह ये रहा चिकन, ये छोटी सी बोटी है, ये छोटी सी बोटी आ गई, और इसके साथ जो ना ये मसाला लगाते हैं। अब इस मसाले में ना लीमू है और मिर्चें हैं, अदरक है, काली मिर्च है, जीरा है, नमक है, लाल मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, थोड़ा सा घी है, क्रीम भी है, ऑयल भी है, पानी भी है, और चिकन खुद भी है इसमें। ये तवा चिकन है ना, लास्ट में मैंने ट्राई किया था तकरीबन 2 महीने पहले, अभी बहुत कमाल का था। अब थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज है, क्या शेफ चेंज है या फिर उसका स्टाइल थोड़ा बनाने का चेंज है, थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। रोहित जी हमारी जो मेन आइटम है ना वो ये है चिकन की सब्जी, और सब्जी के ऊपर जो फ्लेवर लगा हुआ है ना ये है तीखा गार्लिक, थोड़ा सा स्पाइसी होता है और गार्लिक ही होता है, और जिस भी चीज़ में लहसुन डल लेता है ना लहसुन का फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो वो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखता है, आपका ब्लड फ्लो जो है ना उससे बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ एक मसला है, इसको खाने से ना मुंह से स्मेल आती है बस, बाकी फ्लेवर ही फ्लेवर। और ये चिकन ये फ्लेवर लगा हुआ सब्जी पे, ये देखो। चाहे इसमें ना दो चीज़ें मज़ेदार है, एक तो ये सब्जी बताते खुद जो चिकन है इसका वो, और जो ऊपर मसाला लगा हुआ, और इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ होती है ना वो स्किन होती है, ये देखो ये स्किन, ये यार ये फुल चटपटी है। इन्होंने जो चीज़ में मेहनत की है ना वो इसकी सॉसेज है, मुझे आज पता लगा है
कि इसको पकाते हैं और ये सॉसेज जो है ना बहुत कमाल की हैं, पता लग रहा है इसमें मेहनत हुई है। और इसकी बाइट लेते हैं, हमारे पास चिकन का पीस है। अच्छा इसमें मजे का ये हमने हाफ सब्जी लगवाई है और हाफ में फ़ायदा ये है कि हमारे पास थाई का पीस भी है और सीने का पीस भी है। ये सिंपल ये ठीक है, और इसके साथ थोड़ी सॉसेज को लगा दें इस करके। तीखा गार्लिक सजी सिंपल बाइट बिस्मिल्लाह। यार लाहौर में अगर फ्लेवर वाली सब्जी है ना, मुझे नहीं पता इसके अलावा मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन दिस इज़ टू गुड यार। जो आमतौर पर सब्जी आप खाते हैं ना, उस सब्जी में क्या होता है, जो स्किन होती है ना वो क्रिस्पी होती है, थोड़ी क्रिस्पी होने की वजह से ना वो बड़ी मज़े की लगती है, थोड़ा क्रंच आपको फील होता है, फिर उसमें जूसेस भी होते हैं क्योंकि वो फैट्स होते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर ये है कि जितना इसको वो लेप करते हैं ना मसाले का, जो भी इनके सॉस है, जो इनकी तीखा गार्लिक सॉस होती है, तीखा भी होता है, गार्लिक भी होती है, ऑर्डन सावर भी होती है और लेमन भी होती है, लेमन एंड हर्ब, ये डिफरेंट सॉसेज हैं इनके पास। तो वो लेप करने से ना, वो उसको लगाने से ना उसके ऊपर इसकी स्किन की क्रिस्पीनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसकी जो है ना अब हम एक ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे। ये इसमें जो है ना ये गोटी आ जाएगी थोड़ी सी, ये जो है ना स्किन, ये स्किन आ जाएगी ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा लींबू आएगा, ओह, और ये थोड़ी सी सॉस जो है ना, जो इसके ऊपर जो सॉस लगाई हुई है तीखा गार्लिक सॉस जो है, ये वो सॉस है, बहुत स्पाइसी हो जाएगी। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ शेख सज्जी की तीखा गार्लिक वाली फ्लेवर्ड सज्जी। और सारा जो फ्लेवर है ना इसमें खटास का, खटास भी तीन चार तरह की खटास है, सॉस की खटास अलग थी और जो लीमू की खटास थी वो अलग थी और दो तीन और भी खटास रही थी, लेकिन वो थी बड़ी मेरे साथ यार कमाल यार। अभी है ना यहाँ से हम चलेंगे चला अगले पॉइंट की तरफ, तो इसी लस्सी पीते हैं क्योंकि थोड़ा मिक्सें ज़्यादा हो गई हैं, अभी हमने सहरी भी करनी है, सहरी में सिर्फ लस्सी पियेंगे और कुछ सैरी करेंगे चलो, क्योंकि लस्सी जो है वो काफ़ी होगी, बाकी खाना और मजेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये तो है ही है चीज़ ना, साथ में अगर आपको खाने में चाहिए तो ये आप चिकन कढ़ाई की लाजमी ट्राई करें, ट्राई कर सकते हैं। इसमें अचारी कढ़ाई है, थोड़ा सा आपको इसमें अचार वाला फील आएगा, अचारी हांडी वाली अचारी कढ़ाई वाली फील आपको इसके अंदर आएगी, हल्की सी खटास के साथ। चिकन अच्छा गला हुआ है क्योंकि प्रेशर लग के गला हुआ है, और जो ग्रेवी इसकी बनी है वो भी बहुत अच्छी बनी है, तो आप इस भी ट्राई करना चाहें, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हम अगले पॉइंट में चलते हैं। यार हम अंदरून में आकर की सबसे बड़ी जो निशानी है ना वो ये खच्चर्स, लेट्स गो टू जेदा लस्सी वाला। अच्छा थोड़ा सा ना मैंने यहाँ के सीन्स भी चेक करने के, यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल, कि काफ़ी अर्से बाद मेरा अंदरून आना हुआ है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लस्सी मिल रही है, क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे कुछ कह रहे हैं? नहीं मुझे कुछ कह रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, बड़े जिंदा दिल माशाल्लाह लग रहे हैं आप। अंदरून के ही हैं? कहाँ गए? इधर के ही हैं। क्या नाम है आपका? परेशान क्यों हो गए यार? अच्छा फिर आए, पर ये माशाल्लाह पराठे बड़े आपने कमाल के लगाए हुए हैं। चटनी? यस। किस किस चीज़ की है ये? देसी चटनी होती है। इसमें क्या क्या डाला? पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक, थूम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कौन कौन से पराठे होते हैं आपके पास? सर सादे और आलू के होते हैं हमारे पास। सादे और आलू के? ये सादा और ये आलू का। ठीक हो गया। कितने कितने का है ये? ये 50 रुपये का या 60 रुपये का? 50 का 60 का, आप बड़े सस्ते हैं माशाल्लाह। अच्छा आपने क्या आवाज़ क्या लगाई थी उधर से? मैं उससे कह रहा हूँ तस्वीर खींचो। मेरी तस्वीर खींचो? उसकी कह रहा था। खींचो? अच्छा दूध वाली कह रहा था मैं। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया। क्या करें, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर, वेलकम। ठीक हो गया, ओके जी। लो जी ये हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या लगाया आपने? देसी मुर्गा। ये मुर्गा कौन सा वाला? देसी पक्का देसी के गोल्डन मिश्री मिश्री है। ठीक है, शोरबा थोड़ा दिखाते हैं ला के ज़रा। यखनी बनाई हुई माशा, ठीक हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी चल रहा है माशा, ये ओजड़ी लग गई छोटे पाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या जी है? श्री पाए। श्री पाए, ठीक हो गया। अच्छा अभी अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कुछ मिलता है नहीं मिलता, ये जाके देखते हैं आगे। ये देखो अच्छा यार, अभी जो है ना हम जेदा लस्सी में आए हैं और ये माशाल्लाह इधर रश चेक करो। मैं कोशिश करके ना आपको इसकी गाइड बना देता हूँ कि अगर आपने रमज़ान में इसको पीना है तो आपने कैसे आना है, किस तरह आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो भाई
क्या हाल है? ठीक ठाक है अरे भाई, अगर आपके पास इतने सारे रास्ते बचना हो, ये रास्ते बाहर लगा हुआ सारा, इस रास्ते बचना हो क्या तरीका है? जी आप ही दसो, सानू कोई समझ नहीं आई इधर, नहीं समझ आई ना, असीं लैन लो आई है तो बड़ा वधिया काम हो रहा है, जदों लैन लो आई है, लैन लो आई है, लैन च देने पहले वाला काम खत्म कर दा, पहले उनके काम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व, ना ना बड़े सुकून मोल च काम हो गया लैन दे, अच्छा टोकन लो लैन च हो, जेड़ा लैन च नहीं असीं लस्सी नहीं देंदे, अच्छा ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਆਜ ਅਗਰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ, ਜੇ ਗਰਮ ਪਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 550 ਟੋਕਨ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਕ ਭਾਈ, ਆਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਸਹੀ। अच्छा यार मैं यहाँ पे आया था कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपने भैया अगर आप ये जल्दी आपने लेनी है तो आपने कैसे आना, एक बात तो ये पता लगी कि आपको 11 बजे ये मिल जाएगी, 11 बजे से स्टार्ट होती है, 4 बजे तक चलती है, दूसरी बात ये कि वो जो रश होता था ना इकट्ठे टोकन दे के फिर इकट्ठी लस्सी बनाने वाला, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अब ये कर दिया कि जितने भी लोग आते रहते हैं उनको टोकन देते रहते हैं साथ साथ और लस्सी बना के साथ साथ देते रहते हैं, तो ये अच्छा हो गया, रमज़ान से पहले भी ऐसे था और रमज़ान के बाद भी ऐसे चलेगा, रमज़ान में भी ऐसे है, ये पीने के लिए अब आप आ सकते हैं, आपको रश इतना नहीं मिलेगा, वैसे यहाँ पर जो रश लगा हुआ इस टाइम पर ये रूटीन का रश है, रमज़ान में इस तरह के फूड पॉइंट पर इस तरह का रश नॉर्मल है, वारिस निहारी पे, नासिर बॉम पाए पे, यहाँ पे और तारीख लस्सी है, हर जगह पे आपको इस तरह रश मिलेगा, इसको पीते हैं फिर आपको यहाँ का रश चेक कर रहे भी चल के रहा, यार ये कमाल की मीठी है, कमाल की गाड़ी है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बहुत गाड़ी लस्सी, इसकी वजह ही होती है कि ज़्यादा रश होता ना दही होता, दही बहुत ज़्यादा होता है, ਬੇਟਾ। अच्छा यार वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, जेदे की लस्सी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज मिल गई और बिल्कुल आखिरी गिलास है जो मुझे मिला और पता नहीं किस्मत था शायद इसलिए मिल गया, वरना मैं आज घिर गया था, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। एक बात इसके बारे में बता दूँ कि ये जो लस्सी चल रही है ना इनकी, ये अल्लाह की कुदरत से चल रही है, क्योंकि बहुत लोगों की लस्सी जो है ना वो रेट रूट होने के बाद बंद भी हुई हैं, सील भी हुई हैं दुकानें, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इनका काम कभी बंद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, इंस्टाग्राम आपसे कब्जा होती है, मुलाकात होती है लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।